नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। लोकसभा का चुनाव है और पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बिहार के दौरे पर है। आपको बता दें कि आज भी वो यहां बिहार में दौरे पर रहेंगे और दो दिन तक लगातार वो रहेंगे। आज पांचवें चरण का चुनाव हो रहा है और पीएम नरेंद्र मोदी फिर से आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के पटना आगमन पर आज से दो दिनों तक यातायात बदला रहेगा। आगमन के बाद पीएम सबसे पहले दिवंगत नेता सुशील कुमार मोदी के निवास पर जाएंगे। इस दौरान एयरपोर्ट से सड़क तक अभेद सुरक्षा रहेगी। राजभवन में रात्रि विश्राम के बाद पीएम कल यानी मंगलवार की सुबह एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहीं आज शाम नेहरू मार्ग से कदम कुआं जाने वाले रास्ते आम वाहनों के लिए दो घंटे तक बंद रहेंगे। ट्रैफिक DSP अशोक कुमार चौधरी ने कहा कि आज शाम 5:30 बजे से 7:30 और काफिला गुजरने तक नेहरू पथ से राजेंद्र नगर से जुड़े रास्ते आम वाहनों के लिए बंद रहेंगे। आपको बता दें कि कल यानी मंगलवार की सुबह वह राजभवन से एयरपोर्ट के लिए प्रस्थान करेंगे। हवाई अड्डे में प्रवेश और निवास के लिए पश्चिमी द्वार का प्रयोग किया जाएगा। हवाई यात्री वैकल्पिक मार्ग नेहरू पथ, सगुना मोड़, आशियाना दीघा रोड से पटना हवाई अड्डा जाने के लिए राजा बाजार होते हुए डुमरा चौकी से राइडिंग रोड होकर पटना हवाई अड्डा पश्चिमी गेट तक जा सकेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के राजेंद्र नगर जाने के कारण सोमवार की सुबह यानी कि आज शाम नेहरू पथ से जुड़ने वाले सारे मार्ग बंद रहेंगे। पटना जंक्शन जाने वाले यात्रियों से पटना जंक्शन की जगह खरबगिया छोर का प्रयोग करने की अपील की गई है। वहीं सगुना मोड़, राजा बाजार की ओर नेहरू पथ पर होकर पटना जंक्शन जाने वाले वाहन चालक डुमरा चौकी से पटना हवाई अड्डा पश्चिमी गेट होते हुए BMC 5 तिराहा से टमटम पड़ाव होकर अनीसाबाद, गोलंबर से गर्दनी बाग, मीठापुर होते हुए GPO ऊपर से करबगहिया जा सकेंगे। आपको बता दें कि पुरानी बाईपास से गांधी मैदान की ओर जाने वाले वाहन चालक पुरानी बाईपास से करबगहिया से GPO गोलंबर ऊपर से महावीर मंदिर आरओबी होते हुए एग्जीबिशन रोड आरओबी से राम गुलाम चौक पहुँचेंगे। वहीं करबगहिया से चिरैया टाट पुल ऊपर से गुरिया टोली से बाएं महावीर मंदिर आरओबी से GPO गोलंबर के ऊपर से यू टर्न ले कर आप गांधी मैदान जा सकेंगे। बता दें कि पुरानी बाईपास से बहादुरपुर आरओबी मैकडोवल गोलंबर के रास्ते प्रेमचंद्र गोलंबर से सैदपुर रोड होते हुए अशोक राजपथ जाया जा सकता है। वहीं राजीव नगर पाटलिपुत्रा दीघा से पटना जंक्शन जाने वाले अटल पथ से आर ब्लॉक आरबोची नीचे से GPO गोलंबर ऊपर से करबगहिया अथवा पाटलिपुत्र गोलंबर से बोरिंग रोड से लोहिया चक्र पथ नीचे से दरोगा राय पथ आर ब्लॉक GPO गोलंबर के नीचे से पटना जंक्शन जा सकते हैं। बता दें कि अशोक राजपथ से बाकरगंज मोड़ से राम गुलाम चौक का प्रयोग किया जा सकता है। ये ट्रैफिक एडवाइजरी है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के दौरान ये सब पूरी पटना के ट्रैफिक को बदल दिया गया है। तो ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे द बिहार टॉप।